बक्सर पत्रकार संघ द्वारा पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कवर्धा स्थित शहीद स्मारक पर एकत्र हुए जिले के विभिन्न मीडिया हाउस के जुड़े पत्रकार ने घटना पर गहराई दुख व्यक्त करते हुए कुछ देर तक मौन रखा। इस कार्यक्रम में बक्सर पत्रकार संघ के संरक्षक बबलू उपाध्याय, अध्यक्ष अविनाश उपाध्याय, सचिव रवि मिश्रा, महासचिव बंटी, उपाध्यक्ष श्रीमन नारायण पांडे, प्रमोद चौबे, धीरज वर्मा, सोनू शर्मा, संजय उपाध्याय, प्रवक्ता कविंदर किशोर, शंकर वर्मा, आलोक कुमार, प्रहलाद शर्मा, गोल्डी वर्मा, राजू राजेश, अतीत, गिरीश त्रिवेदी, जितेंद्र मिश्रा, अमित सिंह, चंद्रकेतु पांडे, बबलू चौबे के अलावा सामाजिक व राजनीतिक लोग भी शामिल हुए। इसके अलावा बड़ी संख्या में युवाओं का तथा भी कैंडल लेकर शहीद स्मारक पहुंचा। पत्रकारों ने समय स्वयं का परिचय देते हुए देश के वीर जवानों को दिया श्रद्धांजलि। अन्य युवाओं ने भारत माता की जय एवं पड़ोसी देश होश में आओ इनके नारे लगे और जिंदाबाद मुर्दाबाद के यहाँ पर दिखा गया नारा आप भी देखिए हमारे सिटी न्यूज के माध्यम से। राज रंजन की रिपोर्ट। हमले किया जा रहा है, अभी 42 जवान शहीद हो गए हैं, इसमें सरकार क्या कर रही है और आप लोग क्या मानसिकता और क्या सोच रहे हैं, इसमें सरकार क्या करेगी? देखिए, जिस तरह से देश के वीर सपूत शहीद हुए हैं, आज पूरा देश मरमाहत है, सभी की आंखें नम हैं, लेकिन आक्रोश से भी हमारा जो सीना है वो जल रहा है। आज हर एक देश के भारतीय का खून उबल रहा है और जिस तरीके से ये कायराना हरकत किया है आतंकियों ने, उसका जवाब दिया जाएगा और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये चाल चली है उसका जवाब हर हाल में दिया जाएगा। इसके लिए पूरी तरह से सेना तैयार है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री ने बयान भी दिया है कि पूरी तरह से सेना को छूट दे दी गई है और इस देश के जो वीर सपूत हैं, जो जवान हैं, वो कायर नहीं है। समय आने पर ऐसा जवाब देंगे कि आप देखिएगा कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान है वो अपने नक्शे से गायब हो जाएगा। जी, परिचय आपका? रवि मिश्रा, पत्रकार बक्सर।